चित्र प्रदर्शनी शुरू। सैकड़ों बच्चों ने लिया हिस्सा। बाल कलाकारों की प्रतिभा को पंख देने हेतु छठ मेले के अवसर पर शहर के सूर्य मंदिर परिसर में शुक्रवार को 3 दिवसीय सामाजिक चित्र प्रदर्शनी की शुरुआत की गई। चित्र प्रदर्शनी में हिलसा एवं आसपास के गांवों के सैकड़ों छात्र छात्राओं एवं अन्य कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया है। शहर गांव में छुपी प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से मानव समाज सेवा सभा गुटखा छोड़ो आंदोलन के बैनर तले हर साल ऐसा आयोजन किया जाता है, जिसमें खासकर बच्चे उत्साह पूर्वक हिस्सा लेते हैं। चित्र प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर श्री मानव बीडीओ रागदेव राजक, शहर के वरीय शिक्षाविद प्रो लाल बिहारी सिंह, चिकित्सक डॉ रविंद्र कुमार सिन्हा, डॉ हरिहरन पंडित, वार्ड पार्षद विजय विजेता आदि ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि बाल कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों के माध्यम से समाज में फैली बुराइयों को दूर किया जा सकता है। इस तरह के आयोजन से न केवल बच्चों में सृजनात्मक क्षमता बढ़ती है, बल्कि उनके अंदर समाज व राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना भी पैदा होती है। समाज सेवी आशुतोष कुमार मानव ने बताया कि इस बार जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण की सुरक्षा, नशाखोरी, जल संरक्षण, जल जीवन हरियाली, प्रदूषण की रोकथाम, बाल श्रम, विज्ञान प्रोजेक्ट, बढ़ती जनसंख्या, प्राकृतिक संपदा व आपदा समेत दर्जनों विषयों पर आधारित कलाकृतियों को आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी बच्चों के अंदर छुपी वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने का एक माध्यम भी है, जिससे उनमें ऊर्जा का संचार होता है। सभी प्रतिभागियों को समापन के मौके पर पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। इस अवसर पर चित्र प्रदर्शनी के समन्वयक मधुसूदन कुमार, रामाधीन प्रसाद, गणेश कुमार गुप्ता, सौरभ कुमार, अविनाश कुमार सुमन, मनीष कुमार, कुणाल कुमार पांडेय, राजकुमार शशि, सौम्या रेशमा विश्वकर्मा, अंजलि कुमारी, साधना कुमारी, श्रेया राज, सपना सागर समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। BPS न्यूज TV को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ना करना भूले। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो जरूर शेयर करें। आपकी सेवा में लगातार बना है BPS न्यूज TV।